नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे सभी व्यूअर्स को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब चले बढ़ते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों की ओर। भारत की तीनों सेना थल जल और वायु सेना के प्रमुख 20 और 21 अगस्त को पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के दौरे पर हैं। तीनों सेना प्रमुख की यह यात्रा नेशनल डिफेंस अकादमी के लिए काफी ऐतिहासिक रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर राजधानी वाटिका में बोधि वृक्ष में राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। उन्होंने पेड़ों और पर्यावरण की रक्षा का संकल्प दोहराया, साथ ही लोगों से भी पेड़ों और पर्यावरण की रक्षा की अपील की। भारत में आभूषणों पर हॉलमार्क अंकित करने के कार्य में हो रही प्रगति के विषय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए BIS के महानिदेशक ने कहा, हॉलमार्क की योजना को बड़ी सफलता मिली है। अल्प अवधि में ही 1 करोड़ से अधिक आभूषणों पर हॉलमार्क अंकित करने का कार्य पूरा कर लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य में कुल 7.22 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है। इनमें से अब तक 52,36,241 लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है, जबकि 2,68,86,382 लोगों को पहली डोज दी गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के गुजर जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद, दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव, अखिलेश यादव, मायावती ने दुख व्यक्त किया है। रविवार को ही वायुसेना का C-17 विमान काबुल से गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा। विमान में 168 लोग सवार थे, जिनमें 107 भारतीय नागरिक हैं। जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया उनमें अफगानिस्तान के एक सिख सांसद के कुछ और भी नेता शामिल हैं। अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर रेस वॉक स्पर्धा में भारत के अमित खत्री ने शनिवार को सिल्वर पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है, जिसके बाद उनकी प्रोफाइल फोटो तो नहीं बल्कि हैकर ने उनका नाम बदलकर एलन मस्क कर दिया है। मजेदार बात यह रही कि शत्रुघ्न सिन्हा को खुद इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनका अकाउंट हैक होने के बाद उससे छेड़छाड़ किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 390 भारतीयों को सुरक्षित लाया गया है। 168 को इंडियन एयरफोर्स के स्पेशल विमान से सीधे काबुल में लाया गया। 87 भारतीयों को काबुल से पहले तजाकिस्तान ले गया गया था, वहां से एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली लाया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय रूस से 1.03 असॉल्ट राइफल खरीद रहा है। इसके साथ ही वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे इलाकों के विकास को भी पहली प्राथमिकता दी जा रही है। इसी कड़ी में एशिया की सबसे लंबी ऊंचाई पर स्थित जोजीला टनल के समानांतर नई रेल रोड टनल बनाने का प्रस्ताव है। इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप के दौरान गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। श्रीलंका दौरे पर गेंदबाजी कोच की भूमिका निभाने वाले पारस महामरे ने दावा किया है कि हार्दिक पांड्या T20 वर्ल्ड कप पर पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 30,948 नए मामले सामने आए हैं और इस बीच स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या अधिक रहने से रिकवरी दर बढ़कर 97.57% हो गई है। देश में शनिवार को 52,23,612 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए हैं और अब तक 58,14,89,377 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। फिल्मों में अपने आइटम नंबर से लोगों के दिलों पर छुरियां चलाने वाली एक्ट्रेस राखी सावंत दोनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव है। अब खुद ड्रामा क्वीन ने पोस्ट कर बिग बॉस के शो में एंट्री लेने का खुलासा करते हुए सबको चेतावनी दे दी है। दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र उसामा शहाब का निकाह तय हो गया है। बताया जा रहा है कि आफताब की बेटी से निकाह होगा। शहाबुद्दीन की होने वाली बहू डॉक्टर है। सबसे बड़ी बात कि मरने से पहले ही शहाबुद्दीन ने बहू पसंद कर लिया था। 22 अगस्त को पूरा देश भाई बहन के प्यार का पावन त्यौहार रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहा है। इस खास मौके पर श्वेता को भी अपने भाई सुशांत सिंह राजपूत की याद सता रही है। सुशांत की बहनों के लिए ये दूसरा रक्षाबंधन है जब वो अपने भाई के बिना मना रही है। इस बात ने श्वेता को फिर से बेहद निराश किया है, लेकिन एक्टर की याद में बहन ने एक बेहद ही प्यारी तस्वीर साझा की है। जातीय जनगणना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को दिल्ली से उनसे मुलाकात करेंगे। बैठक में नीतीश कुमार 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जिसमें राज्य के राजनीतिक दलों के एक एक प्रतिनिधि शामिल हैं। अफगानिस्तान के सरकारी टीवी चैनल रेडियो टीवी अफगानिस्तान में बतौर एंकर काम करने वाली खदीजा अमीन भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा करने के बाद खदीजा को एंकरिंग से हटा दिया गया। उन्हें इंतजार करने के लिए कहा गया है, लेकिन हफ्ता भर गुजर जाने के बाद भी कोई आश्वासन नहीं मिला है। उन्हें अब भारत से उम्मीद है। दिल्ली से राम की नगरी अयोध्या तक बुलेट ट्रेन दौड़ने की योजना पर्यटन को मिलेगा जल्द ही बढ़ावा। रिपोर्ट्स के अनुसार बुलेट ट्रेन के स्टेशन के निर्माण के लिए जमीनों को भी चिन्हित किया गया है। बुलेट ट्रेन दिल्ली सहित वाराणसी और प्रयागराज को भी जोड़ेगी, बिछाया जाएगा अलग से ट्रैक।
आज देश भर में भाई बहन का पावन पर्व राखी है। भोले भंडारी का पसंदीदा महीना सावन का अंतिम दिन यानी पूर्णिमा है और हर साल इस दिन राखी का त्यौहार मनाया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की बधाई दी। अपने बधाई संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि सभी देशवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ढेरों शुभकामनाएं। आरसीबी ने 14वें सीजन के बाकी बचे मैचों के लिए दुनिया भर की लीग क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले टिम डेविड को साइन किया है। टिम डेविड इंडियन प्रीमियर लीग में सिंगापुर की तरफ से खेलने वाले पहले खिलाड़ी बनेंगे। तालिबान कब्जा होने के बाद से ही अफगानिस्तान में हालात खराब है। बीतते समय के साथ वहां स्थिति भयावह होती जा रही है। इसी बीच राजधानी काबुल में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने योजना 2 उड़ानें संचालित करने का फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती लगातार सरकार के खिलाफ आग उगलती आ रही है। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत के बाद महबूबा मुफ्ती का लहजा और सख्त होता नजर आ रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी कोवावैक्स वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी दिलवाने के लिए आवेदन किया है, जिसे WHO ने स्वीकार कर लिया है। इससे पहले 10 अगस्त को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और WHO के बीच प्री सबमिशन बैठक भी हो चुकी है। फिटनेस को लेकर सुर्खियों में रहने वाले मिलिंद ने IANS के साथ बातचीत में कहा, मैं खेलों को बहुत महत्व देता हूं और इससे मेरे जीवन को कैसे आकार दिया है और मुझे उस तरह का व्यक्ति बनाया है। यह आपको अपनी क्षमता से एक आत्मविश्वास देता है और आप क्या कर सकते हैं, आप किसमें अच्छे हैं, ये बात बताता है। तमिलनाडु से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एल गणेशन को रविवार को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नजमा हेपतुल्ला की इस महीने की शुरुआत में सेवानिवृत्ति के बाद मणिपुर के राज्यपाल का पद रिक्त हो गया था। अब अयोध्या भी देश के बुलेट ट्रेन के नक्शे पर होगा। दिल्ली से अयोध्या तक बुलेट ट्रेन चलेगी। केंद्र सरकार ने अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के नक्शे पर और प्रमुखता से लाने की गरज के साथ यह योजना बनाई है। अपने गाने के कारण सोशल मीडिया पर सुर्खियों में आए सहदेव ने अपने प्यार का जिक्र किया है, जिसके तहत सहदेव ने विराट कोहली की तरह बनने की इच्छा जताई है। इस वीडियो को विराट कोहली फैन आर्मी के पेज ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और कैप्शन दिया है, बचपन का प्यार विराट कोहली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने रविवार को कहा कि भारत ने अफगानिस्तान से लौट रहे लोगों को एहतियाती उपाय के तहत पोलियोरोधी टीका निःशुल्क लगाने का फैसला किया है। मंत्री ने ट्विटर पर एक ट्वीट भी साझा किया, जिसमें युद्धग्रस्त देश से लौटे लोगों को दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टीका लगवाते हुए देखा जा सकता है। भारतीय वायुसेना ने विभिन्न एयरफोर्स स्टेशन यूनिट में ग्रुप सी सिविलियन के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार रोजगार समाचार में विज्ञापन के साथ दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। RBI डेटा स्टोरेज पॉलिसी अब अपने संशोधित गाइडलाइन को लेकर तैयार है, जो जनवरी 2022 से लागू हो सकती है। संशोधित रेगुलेशन पेमेंट एग्रीगेटर्स और मर्चेंट जैसे Amazon, Flipkart, Netflix आदि को ग्राहक के कार्ड की जानकारी को अपने सर्वर या डेटाबेस में स्टोर करने से रोकते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है संजय कुमार, सिफोन ठाकुर, जितेंद्र ठाकुर, प्रमोद राम, सुपर बिहारी, रंजीत मेहता, राजीव कुमार, ज्योति कुमारी, प्रद्युमन कुमार, मुक्ति कुमार, इमरान आलम, अमित कुमार, सिद्धार्थ मिश्रा, सूरज सिंह, अरविंद सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपके आसपास के लोगों ने टीके का डोज लिया है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।